नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस पर ऑनलाइन सेल करते हो तो आपको पता होगा कि जब भी ये मार्केट प्लेस आपको किसी भी ऑर्डर का पेमेंट देते हैं तो ये लोग फी स्ट्रक्चर के अलावा TCS और TDS भी आपके ऑर्डर का पेमेंट देते वक्त आपके ऑर्डर के पेमेंट में से डिडक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ना TCS और TDS के बारे में पहले भी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं इस चैनल पर, जिसमें मैंने आप सेलर्स को बताया है कि TCS और TDS जो मार्केटप्लेस वाले डिडक्ट करते हैं वो कभी भी एक सेलर के लिए नुकसान नहीं होता है। क्यों नुकसान नहीं होता है? क्योंकि आप उसको गवर्नमेंट पोर्टल से रीइंबर्स कर लेते हो। TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को आप GST पोर्टल से क्लेम कर लेते हो और TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को आप इनकम टैक्स पोर्टल से क्लेम कर लेते हो। अब यहां पर एक सेलर का मेरे पास सवाल आया कि सर, जब TCS और TDS मार्केट प्लेस वाले डिडक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट को जमा कराते हैं और हम सेलर्स गवर्नमेंट पोर्टल से क्लेम कर लेते हैं, तो फिर मार्केट प्लेस वाले आखिर TCS TDS डिडक्ट ही क्यों करते हैं? मतलब जब अल्टीमेटली सेलर को रीइंबर्स करा ही लेना है TCS को और TDS को, तो मार्केट प्लेस वाले डिडक्ट ही क्यों कर रहे हैं? मतलब सेलर ये चाहता है कि मार्केट प्लेस वाले जो है वो TCS और TDS को डिडक्ट ना करें और जो अमाउंट हम गवर्नमेंट पोर्टल से रीइंबर्स करा रहे हैं ऐसा ना हो डायरेक्टली अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो ही हमें वो अमाउंट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों है ये एक सेलर ने मुझसे पूछा है और इससे रिलेटेड कई सारे सवाल पहले भी मुझसे सेलर पूछ चुके हैं, तो मैं इस कन्फ्यूजन को आपके दूर कर देता हूँ। और डेफिनेटली ये वीडियो एंड तक अगर आप देखोगे तो आपको TCS TDS के बारे में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, आखिर ये मार्केट प्लेस वाले जो TCS TDS है वो डिडक्ट ही क्यों करते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। TCS की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, TDS की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब देखिए, मानकर चलिए आप किसी भी मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल कर रहे हो, अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर या मीशो पर, और कोई प्रोडक्ट आप बेचते हो जिसका कि सेलिंग प्राइस है 590 रुपीज़, ठीक है ना? तो 590 रुपीज़ में आपने बेचा तो मैं ये कह सकता हूँ इसमें टैक्सेबल वैल्यू तो है 500 रुपीज़, और क्योंकि GST रेट मेरा 18% है तो GST की वैल्यू हो गई 90 रुपीज़, ठीक है? इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब जब आपको कोई भी मार्केट प्लेस जो है जब पेमेंट देगा आपके बैंक अकाउंट में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का, तो वो किस हिसाब से देगा? 590 में से फीस डिडक्ट करेगा, फिर उसमें से GST ऑन फीस डिडक्ट करेगा, फिर उसमें से TCS डिडक्ट करेगा और फिर उसमें से TDS डिडक्ट करेगा और आपको पेमेंट सेटलमेंट मिलेगा, ठीक है? अब ये आपको सेटलमेंट अमाउंट पता चल गया कि किस हिसाब से हमें मार्केट प्लेस वाले देते हैं। अब यहां पर सवाल आता है कि मार्केट प्लेस वालों ने ये TCS और TDS क्यों काटा? देखिए, फीस तो समझ में आता है कि ठीक है, मार्केट प्लेस को अपने एक्सपेंस कवर करने हैं, अपनी इनकम करनी है, इसलिए फीस डिडक्ट की जाती है, GST उस फीस पे लगती है, ये भी समझ में आता है, लेकिन TCS TDS काटने का क्या रीजन है? तो पहले तो सबसे पहले बात करते हैं TCS और TDS होगा कितना। तो TCS होता है 0.5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू और TDS होता है 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो इस केस में TCS हो जाएगा, देखिए 500 रुपीज़ हमारी टैक्सेबल वैल्यू है तो 0.5% ऑफ 500, ठीक है ना? तो ये 0 डिडक्ट कट हुए तो यहाँ पर आ गया 2.5 रुपीज़, और TDS हो जाएगा 1% ऑफ 500 यानी कि 5 रुपीज़। तो TCS की वैल्यू 2.5 है और TDS की वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो जो 2.5 रुपीज़ है वो GST डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा और ये जो 5 रुपीज़ है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा, ठीक है ना? अब सेलर GST रिटर्न फाइल करते वक्त ये वैल्यू 2.5 रुपीज़ वाली और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ये वैल्यू रीइंबर्स कर लेंगे पोर्टल से। तो यहां पर सवाल अब यही आ जाता है दोबारा से,
तो फिर मार्केट प्लेस ने ये डिडक्ट ही क्यों किए थे जब सेलर उसको रीइंबर्स ही कर लेगा। तो देखिए अब इसका आंसर सुनिए। देखिए जब जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चला कि किसी सेलर ए की जो TCS वैल्यू है वो 2.5 रुपीज़ है, तो इससे GST डिपार्टमेंट वाले ये पता कर लेंगे कि उसकी टोटल टैक्सेबल सेल कितनी है किसी भी महीने में, टोटल टैक्सेबल सेल कितनी है किसी भी महीने में। अब मानकर चलिए 2.5 रुपीज़ जब GST डिपार्टमेंट वालों को पता चला एक की TCS की वैल्यू है, तो उन्हें पता है 0.5% से 2.5 रुपीज है, तो 1% से हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5, और 100% से हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इनटू 100, तो ये आ गया हमारा, यहां से ये कट हुआ 5 और 5 इंटू 100 आ गया 500। तो यहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को पता चल गया कि 500 रुपीज जो है वो सेलर ए की सेल है। अब सेलर ए जब अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, अगर वो 500 रुपीज से कम शो करता है वहां पर सेल, मानकर चलिए 300 रुपीज की वो टैक्सेबल वैल्यू शो करता है, तो यहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को पता चल जाएगा कि सेलर ए ने गलत सेल रिपोर्ट की है। और वो किस वजह से पता चला, क्योंकि उन्हें टीसीएस की वैल्यू का पता था। अगर सेलर ए ने 500 रुपीज की टैक्सेबल वैल्यू शो की सेल में, तो फिर पता चल जाएगा कि मैच हो गई टीसीएस से। लेकिन अगर यहाँ पर सेलर ए कम सेल रिपोर्ट करता है, तो उस केस में चांसेस हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट वाले सेलर ए को नोटिस भेज दें कि आप कम सेल रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब जो सेल मार्केट प्लेस अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो हमें बता रहा है आप उतनी सेल रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को लगेगा कि जितना टैक्स आपको पे करना चाहिए आप उतना नहीं पे कर रहे हो, क्योंकि आप कम सेल जो है वो रिपोर्ट कर रहे हो। तो इसीलिए, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को आपकी सेल का पता चल जाए, इसलिए टीसीएस डिडक्ट किया जाता है। उनको ये 2.5 रुपीस से कुछ लेना देना नहीं है, उनको बस 2.5 रुपीस से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कितनी सेल वैल्यू है। तो इस वजह से ही मार्केट प्लेस वाले जो हैं वो टीसीएस डिडक्ट करते हैं, वो खुद से नहीं करते, बेसिकली गवर्नमेंट ने ही उनको बोला हुआ है कि आपको टीसीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। और इसी तरीके से सेम फंडा जो है वो इनकम टैक्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जैसे 1% जो है वो 5 रुपीस हो गया, तो 100% हो जाएगा 500 रुपीस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पता चल गया कि 500 रुपीस की टोटल टैक्सेबल वैल्यू बनी है। तो कुल मिलाकर जैसे हमने जीएसटी वालों को पता चला, सिमिलरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भी पता चल गया। तो कुछ भी कंप्यूटेशन में डिफरेंस आता है तो ये तुरंत यहाँ पर पता कर लेंगे कि आपने यहाँ पर कम सेल जो है वो रिपोर्ट की है। तो इस वजह से TCS और TDS जो है वो डिडक्ट किया जाता है, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि एक्चुअल में किसी सेलर की कितनी सेल हुई है। और अगर सेलर कल को कम सेल रिपोर्ट करता है जितनी एक्चुअल उसकी मार्केट प्लेस पे हुई है, उस केस में वो सेलर को नोटिस भेज सके और सेलर पर पेनल्टी लगा सके, फाइन लगा सके। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको TCS और TDS के बारे में समझ में आ गया होगा कि कोई भी मार्केट प्लेस हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, वो TCS और TDS डिडक्ट करते ही क्यों हैं। अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन बचा है TCS या TDS को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे को अभी कुछ सुधार की ज़रूरत है, या मैं जो आपको समझाता हूँ वो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। बाकी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आगे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आगे मैं किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, जो आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आपको वो समझ में आ जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं और उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि क्यों अमेजोन फ्लिपकार्ट और मीशो वाले हमारा TCS डिडक्ट करते हैं जब मार्केट प्लेस सेलर्स को रीइंबर्स करा ही लेना है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।